हेलो गाइस गाइस आज हम देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है गाइस हमारा? कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून। सबसे पहले कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो मैं 1.2 मीटर टॉल गर्ल बना देता हूँ, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है स्पॉट, कह रहे हैं कि वो स्पॉट करती है किसी बैलून को जो मूव कर रहा है विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। कह रहा है कोई बैलून है, ठीक है, ये कोई बैलून है। कह रहा है वो मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये ऐसे लाइन, ठीक है। अगर वर्टिकल कहते तो फिर ऐसे ऊपर को मूव कर रहा होता। हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं मतलब ऐसे सीधा मूव कर रहा है, ऐसे जाई जा रहा, जाई जा रहा, जाई जा रहा, ठीक है। तो कह रहे हैं विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहे हैं 88.2 मीटर हाइट पे मूव कर रहा है, मतलब जो इसकी ये हाइट है पूरी वो 88 पॉइंट, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये हाइट जो है वो कह रहे हैं कि 88.2 है, ठीक है। तो 88.2 बना देता हूँ मैं इसे, 88.2, ठीक है। ये पूरी 88.2 है यहाँ से लेके पूरे बैलून तक 88 है। तो क्या कह रहा है आगे? कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कह रहा है जो बैलून उड़ रहा है ना उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है गर्ल की आईज से, गर्ल की आईज यहीं पे होंगी, तो उसकी आईज के सामने सबसे पहले मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, ठीक है। तो कह रहे हैं उसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून का है ना वो 60 डिग्री है। मैंने 60 डिग्री बना दिया, ठीक है, ये 60 डिग्री है पूरा। तो आगे क्या कह रहा है? आफ्टर द सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कह रहे हैं जो ये पहले कह रहे थे ना एंगल, ऐसे बैलून मूव कर रहा है, ये बलून है ऐसे ऐसे मूव कर रखे, वो मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया। कह रहे हैं फिर उसकी आईज से, जब उसने आईज से अपनी देखा ना फिर दोबारा बलून, तो बलून हो गया, ये थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, देख लेना थोड़ा, ये बलून की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, ये लाइन बलून पे है। तो वो एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आईज से ही इस बलून का 30 डिग्री है, इस वाले बलून का 60 डिग्री है। कह रहा है फिर आगे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कह रहे जो इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, बस ये कह रहा है इस दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस। मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने निकालना था उसको मैं बेसिकली एक्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा मेरे को ये पूरी हाइट बैलून की दी हुई है ग्राउंड से 88.2। सबसे पहले इसको भी ऐसे बना लेता हूँ क्योंकि इसकी भी हाइट 88.2 होगी ना बैलून से, स्ट्रेट जा रहा ग्राउंड से, इसकी भी हाइट 88.2 होगी, तो ये पूरी 88.2 ये भी है 0.2, ठीक है। तो अब देखो, अब गाइस एक चीज सोचो, मुझे निकालना है x यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब मैंने सोचा देखो इस वाले ट्रायंगल में, देखो इसको मैं नाम देता हूँ a b और ये c, ठीक है, a b c ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इसमें देखो हमें एक एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। अगर हमें ये साइड पता लग जाए ए सी, देखो मैं बता ही देता हूँ आपको, ए सी साइड कैसे आएगी। अब देखो ये चीज हमारी 1.2 है, ठीक है, तो ये भी 1.2 ही, ठीक है, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 1.2 है, पर ये हमारे को पूरा 88.2 दिया हुआ है, तो 88.2 में से इतना वाला पार्ट माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक वाला, तो हमारा ए सी आ जाएगा। तो 88.2 ए सी कितना आएगा, 88.2 में से माइनस कर देंगे 1.2 को, तो कितना आ गया हमारा 87, ठीक है। तो ए सी कितना आ गया हमारा 87, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ए बी सी में हमारे को एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ए बी सी में ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और हमें एक साइड दी हुई है ए सी 87 मीटर, ठीक है। तो हमारा हमारी ये वाली साइड आ जाएगी, देखो बी सी, हम बी सी निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी हमें एक साइड दी होती है और एक एंगल दिया होता है हम दूसरी साइड निकाल लेते हैं, हम बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में देखो बी, इसको नाम देता हूँ डी और ई। अब देखो बी डी ई ट्रायंगल में देखो, बी डी ई में, ठीक है, बी डी ई में देखो, इसमें देखो ये वाला एंगल दिया हुआ है मुझे 30 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है मुझे, और ये वाली साइड दी हुई है 87, ये 87 यहाँ से लेके ये 87 है, तो ये भी 87 ही होगी, ये 87 दी हुई है, ठीक है। तो अब मैं ये एक एंगल दिया हुआ और एक 87 दी हुई है, तो मैं ये वाला साइड निकालूंगा बड़ी बी से लेके ई तक, ठीक है। अब मेरा बी ई आ गया, और पहले मैंने इस वाले ट्रायंगल में से मैंने बी सी निकाल लिया था, तो बी ई में से बी सी माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो करके दिखाता हूँ मैं सारा, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैं क्वेश्चन करता कैसे हूँ,
ठीक है, अब देखो, अब आपको और क्लियरली समझ आएगा मैं क्या कर रहा था। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में सबसे पहले मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री एंगल और ये वाली साइड, तो सबसे पहले देखो मुझे निकालना क्या है, बीसी, बीसी निकालना है, और मुझे ये दिया हुआ है एसी, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, ये परपेंडिकुलर है, एसी हमारा परपेंडिकुलर है क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, एंगल भी सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एसी हमारा परपेंडिकुलर है और ये बीसी हमारा बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और बेस में क्या होता है हमारा, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 87, एसी अपॉन में बेस कितना है, बेस हमारे को बीसी निकालना है, ठीक है। तो टेन थीटा कितना होगा मेरा, टेन थीटा की जगह 60 डिग्री लिखूंगा क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल में हमारा ये वाला एंगल आ रहा है ना, 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 बाय बी सी, ठीक है। तो टेन 60 कितना होता है, रूट 3 मुझे पता है, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए, देख लो ये 10 60 रूट 3, ठीक है, 87 बाय बी सी, तो बी सी कितना आ गया मेरा, बी सी आ गया, इसको इधर ले जाऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, तो कितना आ गया बी सी, 87 बाय रूट 3, ठीक है, बी सी को ऊपर ले गया और रूट 3 को नीचे ले आया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये 87 बाय रूट 3 आ गया मेरा बी सी। तो अब देखो, अब मैंने बी सी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में बी ई और डी में मैं बी ई निकालूंगा, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ई डी 10 30 इज इक्वल टू 10 30, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, 10 30 इज इक्वल टू 87 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 87, डी ई हमारा परपेंडिकुलर हुआ 87 बाय बेस कितना हुआ बी ई, बी ई हमारे को निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 30 होता है हमारा, 10 30 हमारा कितना होता है, 10 30 होता है हमारा 1 बाय रूट 3, ठीक है, 10 30 की जगह मैंने मेरा 1 बाय रूट 3 लिखा इज इक्वल टू 87 बाय बी ई, ठीक है, इतना आ गया मेरा, ठीक है, 10 30 की जगह 1 बाय रूट 3 लिखा मैंने, बाकी 87 बाय बी ई ऐसे कैसी, अब बी ई की वैल्यू निकाल लूंगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी ई ऊपर चला जाएगा, रूट 3 इस साइड ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया बी ई इज इक्वल टू 87 रूट 3, ठीक है, रूट 3 इस साइड चला गया, बी ई ऊपर चला गया, तो बी ई आ गया मेरा, ठीक है, पर बी सी इधर आ गया था। तो अब देखो, बी ई में से मैं बी सी माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, ये वाला पार्ट, बी ई में से मैंने बी सी माइनस कर दिया, ठीक है, बी ई में से मैंने बी सॉरी बी ई में से सी ई माइनस कर दिया ये वाला पार्ट, सॉरी 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 सॉरी, बी ई में से बी सी तो माइनस करना सही तो है, बी ई में से बी सी माइनस कर दिया तो मेरा सी ई आ जाएगा, ठीक है, सी ई, सी ई तो हमारा ये है एक्स, यही तो ऊपर जा रहा है, बस ये हमारा एक्स आ जाएगा फिर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, एक्स इज इक्वल टू 87 रूट 3, जो है हमारा बी ई, यहाँ लिखूंगा बी ई माइनस बी सी, ठीक है, बी ई में से बी सी माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 87 रूट 3 माइनस 87 बाय रूट 3, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, रूट 3 एलसीएम लिया तो 87 इंटू में 3 माइनस 87, 87 इंटू में 3 कितना होता है करके देख लो, 3 7 से 21, 8 3 से 24, 26, 261, 261 माइनस 87 बाय रूट 3 कितना आ जाएगा, 261 में से 87 माइनस करो, 261 माइनस 87, 11 माइनस 7 गए 4, 15 में से 8 गए 7, 174 कितना आ गया हमारा, 174, 174 बाय रूट 3। अब मैंने बताया था आपको कभी भी डिनोमिनेटर में रूट 3 नहीं लिखते, रूट नहीं लिखते, तो उसको मैं रैशनलाइज कर दूंगा, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 174 बाय रूट 3 इंटू में रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 कितना आ गया मेरा, ये आ जाएगा 174 रूट 3 डिवाइड बाय 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 3 5 से 15, 3 8 से 24, तो आंसर आ गया हमारा 58 रूट 3 मीटर, ठीक है, ये किया मैंने,
174 इंटू रूट 174 रूट 3, इसको 174 को काट दिया फिर 58, 58 से 3 के टेबल से तो 58 रूट 3 आ गया हमारा, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है तो गाइस इतना हमारा ख़त्म हो गया क्वेश्चन 14 तक। गाइस मैंने आपको एक बात कहनी थी गाइस, इन चीज़ों की प्रैक्टिस जरूर करते जाओ साथ साथ, ठीक है, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 14 तक बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो, मतलब इस चैप्टर को अच्छी तरह कर लो, बहुत ईजी चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे इसमें, कोई बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है।